अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चना चाट। इसके लिए मैंने आधा किलो चने लिए हैं और इसको 5 घंटे पहले भिगो के रख लिए था पानी में। अब इसका पानी निकाल दिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको 10-15 मिनट रखेंगे और इसके बाद धो लेंगे। चनों को मैंने 15 मिनट के लिए सोडा लगा के रखा था। अब इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया। अब इनको मैंने उबलने के लिए रखूँगी। और ये दो मेरे पास मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको भी मैं उबलने के लिए रखूँगी। चाट के अंदर जो चटनी डलेगी उसके लिए मेरे पास आधा पाव इमली है। इसको मैं 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी और इसकी गुठलियाँ अलहदा कर दूँगी। इसको भिगो देते हैं। इसको अच्छे से तोड़ के इसको अच्छी तरह भगो दें। ये 20 मिनट के लिए रखते हैं। इमली भीग चुकी है। अब इनकी गुठलियाँ अलहदा कर लेते हैं। एक जाली लेते हैं, इसके अंदर इमली डालते हैं। इसको अच्छी तरह मस लेंगे। अच्छी तरह मसल के इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, पतला ना हो जाए ज़्यादा, गाढ़ा रखना पलट इसका। आधा कप पानी लिए बस, इतना ही काफ़ी है। ये अच्छे से निकल गया है। ये पल्प अलहदा हो गया इसका। अब इसको एक साइड पे रखूंगी। अब मैं चाट बनाना शुरू करती हूँ। चने मैंने उबाल लिए थे, चने डाल देते हैं बाउल में। आलू है उबले हुए, ये मैंने उबाल लिए थे, ये डाल लेते हैं। इनको बारीक क्यूब की शक्ल में काट लिया था, ऐसे क्यूब बना रहे हैं। ये दो प्याज थे मेरे पास, ये बारीक बारीक मैंने काट लिया, ये भी इसके अंदर जाएगा। एक टमाटर है मेरे पास, ये बारीक काटा हुआ है। ये पुदीना है मेरे पास, एक गट्टी वो मैंने बारीक काट लिया था, ये भी इसके अंदर जाएगा। हसबे जायका नमक, इसको तेल कम कर सकते हैं आप। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये किसी ब्रांड का आप ले लें। ये इमली का पानी जो मैं निकाला था, 1 कप है मेरे पास। ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके ऊपर पापड़ी डालेंगे। ये मेरे पास बनी हुई समोसे की पट्टी लेके मैंने पापड़ी तैयार कर ली थी, ये इसके ऊपर डालेंगे। चना चाट तैयार है। आप इस रेसिपी में चाट मसाला ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।